प्रेमचंद्र के फटे जूते। लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया हमारा ये चैप्टर बहुत ही महान कथाकार प्रेमचंद्र जी और उनकी सोच के बारे में है, जो सिर्फ अपनी कहानियों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिखावे की दुनिया से बिल्कुल दूर हैं। कहानी शुरू होती है जब लेखक हरिशंकर परसाई जी एक पुरानी तस्वीर निहार रहे थे, जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे एक फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो में उन्होंने एक पुराना सा धोती कुर्ता और सर में एक टोपी पहन रखी है। उस फोटो में प्रेमचंद जी बहुत ही दुगले पतले और कमजोर दिख रहे थे। चेहरा बिल्कुल बैठा सा था और हड्डियां वो तो एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। हरिशंकर परसाई जी बताते हैं, फोटो देखने से ऐसा पता चलता है कि वे बहुत ही गरीबी और निर्धनता में जैसे तैसे बस जी खा रहे हैं। फोटो में उन्होंने कैनवास कंपनी के जूते पहन रखे हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, और तो और बाएं पैर के जूते से उनकी उंगलियां तक दिख रही थी। अब जिन्हें नहीं पता बाएं और दाएं में अंतर क्या होता है, वो अपने हाथ को ऐसे करो और जिस हाथ में तुम्हें बी दिख रहा है वो बाया है और जिसमें डी दिख रहा है वो दाया है। और जो कि प्रेमचंद जी के बाएं पैर का जूता फटा हुआ था, इसका मतलब उनके लेफ्ट पैर का जूता फटा हुआ था। खैर, प्रेमचंद जी की ऐसी हालत देखकर हरिशंकर परसाई जी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उनकी फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी कैसी हालत रही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें ये समझ में आ जाता है कि प्रेमचंद जी हमारे जैसे दोगले इंसान नहीं, वे दिखावे की जिंदगी नहीं जीते, वो जैसे वास्तविक में हैं वैसे ही फोटो में। शायद उनके घर की और बाहर की जिंदगी एक सी ही होगी, इसीलिए वो बिना किसी दिखावे या शर्म के जो कपड़े घर में पहनते हैं उसी में फोटो भी खिंचा लिए होंगे। प्रेमचंद जी की उस फोटो को देख लेखक कहते हैं, मेरा भी जूता नीचे से फट चुका है, जिससे जब भी मैं चलता हूँ तो मेरा तलवा जमीन में घिसता है, लेकिन हाँ वे ऊपर से बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मैं तो फोटो खिंचाते समय अपना पूरा ध्यान रखता हूँ, और अगर मेरा जूता फटा भी हो तो मैं अपनी उंगली को यूं बाहर नहीं झांकने देता, और अगर फिर भी काम नहीं बनता तो मैं इस तरह फटे जूते पहनकर फोटो तो नहीं खिंचाता। लेखक कहते हैं, शायद प्रेमचंद जी दुकानदार की उधार से बचने के लिए घर पहुँचने का लंबा रास्ता ले लिए होंगे, जिससे उनका जूता घिस कर फट गया होगा। तभी अचानक से लेखक को समझ में आता है कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वो सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे, फिर चाहे वो देश की गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो या दिखावेवाद की ये संस्कृति। तभी अचानक से लेखक हरिशंकर परसाई जी का ध्यान प्रेमचंद जी की मुस्कान पे पड़ता है, जो मुस्कुराते मुस्कुराते बस हल्का सा रह गए थे। शायद कैमरामैन ने स्माइल प्लीज कहा होगा और वो बस मुस्कुराने ही वाले रहे होंगे कि तभी कैमरामैन ने फोटो खींच दी होगी और उनकी मुस्कान आधी में ही अटक गई। या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमचंद जी इस अधूरी मुस्कान के साथ हम सभी पर हंस रहे हों जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होता हमारा ये नन्हा सा और प्यारा सा चैप्टर। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर को सिर्फ दो लाइन में समराइज करूँ तो लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, प्रेमचंद जी के फटे जूते से झांकती वो उंगलियां ये दर्शाती हैं कि वो सारी जिंदगी गरीबी, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास को ठोकर मारकर दूर करते रहे, और उनकी हल्की सी मुस्कान हम सभी के लिए है जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, जो दूसरे को दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी सुंदर है, फिर चाहे असलियत में इसका उल्टा ही क्यों ना हो। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। अब चलो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपका सवाल है, प्रेमचंद जी का कौन सा जूता फटा हुआ था? ऑप्शन ए दाएं पैर का, ऑप्शन बी बाएं पैर का, ऑप्शन सी दोनों के दोनों, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी बाएं पैर का। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? ऑप्शन ए ऊपर की ओर से,
ऑप्शन बी तले से, ऑप्शन सी पीछे के भाग से, या ऑप्शन डी सिलाई वाले भाग से। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी तले से। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र कैसे लेखक थे? ऑप्शन ए सुस्त, ऑप्शन बी संघर्षशील, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, या ऑप्शन डी गंभीर। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी संघर्षशील। और ये रहा आपका चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। चित्र में प्रेमचंद्र किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? ऑप्शन ए पिता के साथ, ऑप्शन बी बहन के साथ, ऑप्शन सी अपनी पत्नी के साथ, या ऑप्शन डी लेखक के साथ। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी पत्नी के साथ। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।